Hey guys, वापस स्वागत है एक नए से ब्लॉग में। और अभी दोपहर हो रहा है और आज तारीख क्या नीचे देख लीजिए, ठीक है। और जो रहा है दोपहर, दोपहर नहीं शाम हो चुका है, दिन में ब्लॉग बनता नहीं है क्योंकि बिजी होते काफी, तो इस टाइम ब्लॉग बना रहे हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं, चलिए। तो गाइस चलते हैं बाहर। वहाँ बाहर एक लड़का बैठ के धूप ले रहा है और धूप काफी तेज है। चलिए मिलाते हैं उस लड़के से। हाय अंकित, कैसे हो? धूप का मजा इस तरफ से अंधेरा आ रहा है, तो इधर धूप का मजा लिया जा रहा है। इधर तो और बताओ, ठीक है? धूप का मजा क्यों ले रहे हो? धूप का मजा इस ठंडी तो इतनी नहीं है मेरे ख्याल से। सुना है धूप लेने से शरीर को बहुत सारे फायदे होते हैं। फायदा सुबह अभी हो चुका है। फायदा कौन सा होता है? फायदा नहीं पता है लेकिन होता है। किसी ने कहीं पढ़ा था धूप लेने से शरीर को धूप दिखानी चाहिए। सुबह की जो अर्ली मॉर्निंग जो होती है, अर्ली मॉर्निंग अभी उठे भैया। जब सुबह जब सूर्योदय होता है उस टाइम अगर आप धूप लेते हैं तो उस टाइम विटामिन डी मिलता है। ठीक है, डी मिलता है लेकिन सुबह वाली जो मतलब एकदम सुबह जब लालिमा सोची निकलती है उस टाइम कब उठेंगे? उस टाइम जब उठेंगे तब जब उठा जाएगा तब उठा क्या जाएगा उठा जाएगा तो गाइस और भैया बोलने वाले हैं तो बोलने तो अपनी बकचोदी स्टार्ट करें। तो गाइस बात ऐसी है कि अभी हम लोग पास करने के लिए कुछ काम नहीं है, अभी लेट के सो के पढ़ के सब कुछ थक गए हैं। तो अब यहाँ धूप में बैठ के थोड़ा सा आनंद ले रहे हैं धूप का और आगे की जो बातें हैं वो शुरू कर रहा है। हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि आप लोग सुनना क्या चाहते हैं? सुनना कुछ नहीं चाहते हैं, अपने जुबान को बंद रखें। जुबान को नहीं बंद रख सकते हैं क्योंकि आज जुबान हो गई है खराब। कारण ये है कि कुछ लोगों ने मेरे साथ कांड कर दिया। कांड करने वाले हैं कौन? कुछ लोग थे सी यही लड़का या लड़की सीमेल ओके। तो मतलब किसी लड़की ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड हो सकती है ना? नहीं क्या? हाँ कोई बात नहीं, खैर चलिए आपसे मिलते हैं अभी बाद में, ठीक है। तो कई अभी सोच रहे हैं तय कर लिए हैं कि हम लोग थोड़ा जाते हैं बाहर किसी पार्क में, क्योंकि दिन नहीं बीत रहा यार। मतलब अभी टाइम देखा तो 2:30 बज रहा है और बहुत देर से हम उठे हुए हैं, बहुत सारा काम किए, खाए पिए पढ़ाई लिखाई सारी चीजें में, लेकिन टाइम ही नहीं बीत रहा है। तो सोचे कि चलते हैं पार्क में, यहाँ बगल में एक पार्क है तो चलिए हमारे साथ पार्क में। तो गाइस मुद्दा कुछ ऐसा है कि हम लोग जिस पार्क में गए थे, जाना चाह रहे थे, हम भर दिए पानी किसी चूती ने, तो वहाँ का प्रोग्राम हुआ कैंसिल। अब देखते हैं आगे कहीं भटकते हुए, भटकती आत्मा की तरह कहीं निकलते हैं। रमता जोगी बहता पानी। हम तो क्या मोदी क्या कहता है, हम तो फकीर हैं, झोला लेके चल देंगे। नहीं अभी झोला के चल दिए हैं हम लोग, बिना झोले चले हैं। खैर कोई नहीं, अपडेट देते हैं आपको आगे कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ जाते हैं। हर मोदी हर मोदी बीजेपी जिंदाबाद। चलिए मिलते हैं आपसे। तो गाइस चलते हैं हम लोग कुलचे खाने, सामने देखे कुलचे की दुकान। कस्टमर नहीं आया कुछ, तो कुलचा खाते हैं पार्क मिलाने कहीं पे घूमने के लिए। लड़का फोन बात कर रहा है, कुलचा खाते हैं तब मिलते हैं। चलिए ये छोला चटनी रायता और ये बटर से लगा हुआ बढ़िया कुलचे, साथ में ये मूली प्याज। तो गाइस हम लोग खाए, क्या खाए हैं? छोला कुलचा। अच्छा यही छोला कुलचा किसी रेस्टोरेंट में खाए होते हैं तो वो बहुत बढ़िया बनाए, चक्कर में ना मतलब उस छोले कुलचे की माँ बहन ने कर दिया होता बंदे और ऊपर से पैसा एकदम दबा के लेता है। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनको रोड साइड पे ही खाना चाहिए, जो रोड साइड पे जो स्टॉल लगा रहता है ना वो बाकी टेस्टी होते हैं, जो आप बनाया था और फ्रेश देते हैं एकदम आपके सामने बना के देंगे, उसमें
साफ सफाई के साथ देते हैं, ऐसा नहीं कि गंदा होता है। आपके सामने बन रहा है, आप खुद देख रहे हो आपके सामने, और उधर रेस्टोरेंट में पीछे बना बना लेके आते हैं। अब वो क्या बना रहे हो क्या नहीं बना रहे हो उसको अता पता तो होता नहीं है, तो इसीलिए कुछ चीज़ें रोड साइड खानी चाहिए, सारी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। तो खैर बहुत ही टेस्टी खाया हम लोगों ने, तो बढ़ते हैं हम जी न पाए तेरे बिना, तो जी न पाए, तो चलते हैं घर पे और फिर मिलते हैं आपसे। चलिए हाय गाइस, तो हो गई है शाम, हम लोग निकल चुके हैं बाहर, जा रहे हैं चिकन लाने, और चिकन मतलब कच्चा चिकन लाएंगे, ला के पकाएंगे, और साथ में हमारे है लड़का हेलमेट लगाया हुआ, ये देखना नहीं चाहता, दिखाना नहीं चाहता अपने आप को, शर्म हया ज़्यादा इसके अंदर आ गई है। तो निकलते हैं अपन लोग बाहर, और 21वीं सदी में ज़्यादा शर्म और हया नहीं रखना चाहिए, है कि नहीं, है कि नहीं, हाँ तो ज्यादा सर माया मत रखिए, ज्यादा हिजाब के लिए बवाल मत करिए, बोला फेस रखे, ज्यादा हिजाब पहनिए, अपना घर में पहनिए, बाहर पहनिए, घर मोदी घर घर मोदी, पॉलिटिकल मत करो, तो हिजाब हिजाब पहनिए अपना घर के अंदर, पहनिए बाहर घूमने टहलने पहनिए, लेकिन आप किसी सरकारी संस्थान में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे आप ये सब चीजें नहीं पहन सकते हैं, और ये अपने देश की सुरक्षा का भी मतलब मसला है कि नहीं, मसला है कि नहीं। आज एक वीडियो बना रहा हूँ, कल जो है आपको पोस्ट मिल जाएगा, मतलब जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे उसी टाइम एक वीडियो आ भी जाएगा यथार्थ वाले चैनल पे डॉक्टर हिमांशु सिंह के नाम से, तो उस पर आप देखिएगा, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा क्यों हिजाब जो है बैन करना चाहिए। तो खैर अभी इस मुद्दे को कहाँ छोड़ते हैं, हम लोग चलते हैं कहाँ पे, चिकन वाली शॉप, चलिए। यहाँ पे दिक्कत तो ऐसी हो गई, दिक्कत ये हुई कि अंकल जी जो है ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते हैं। यार आज के जमाने में ऑनलाइन पेमेंट कौन नहीं लेता भाई, तो चलते हैं निशांत के शॉप पे, वहां से जो है हमको मिल जाएगा पैसा। हे गाइस, तो भाई अपना खाना बन गया है, एक्चुअली उस टाइम चिकन ला के घर पे आ गए थे और उसको बनाने का टाइम लग गया, तो अभी बन चुका है, आप जा रहे खाने, और क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी हुई है इसलिए बहुत तेज़ी से काम किया, ब्लॉग नहीं बनाया, स्टेप वगैरह नहीं दिखाया आपको कि कैसे क्या बनता है, कैसे बनाया हुआ है मैंने, तो डायरेक्ट खाने पे आते हैं और आपको सीधे उसी दिखाते हैं। और इधर ये निशांत आ चुका है, निशांत ठीक है, निशांत आ गया है रोते हुए लगते, कैसे भी बहुत दुखी था बेचारा, घर से आना नहीं चाह रहा था, शादी में गया था कल रात, बड़ा मस्ती उस्ती किया है और सुबह उठ के चला आया। खैर कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो है ना, आ गए हो, अब आ गए हैं तो मन तो लगेगा ही, हम लगा देंगे, नहीं होगा ठीक, चले पे खाना खाते हैं, दिखाते हैं, थोड़ा दिखाते हैं आपको, कलर दिखाते हैं कैसा है, बाकी टेस्ट तो हमें पता चलेगा, आपको तो पता चलेगा नहीं है ना, तो चलिए। तो गाइस ये देखिए हमारा चिकन, अभी से हमने कुकर खोला है तो ये कलर है, अब इसको हम चलाते हैं थोड़ा सा, बहुत ही बढ़िया से पक गया है, देखिए पूरा पीस अलग हो गया है, और ग्रेवी मस्त बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बना हुआ है, और तो बना अच्छा है, और बाकी खाते हैं, टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा बना हुआ है ना। तो गाइस ये अपना चिकन यहाँ पे दिखाओ, उतरा चिकन निकाल लिया अपना, लेग पीस है, बाकी और सारी पीसे हैं, और हमको दिखाओ, और अब इसको हम टेस्ट करते हैं तो बताते हैं कैसा है। ये देखिए मांस एकदम अच्छे से गल गए हैं, ये ऐसे बनाया करिए, और इसको अच्छे से लपेड़ा ग्रेवी, और जबरदस्त मजेदार, नंबर एक, एक बाइट और, हरी मिर्च, वाह एकदम जबरदस्त है,
गाइस हम लोग खाते हैं, खा के खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं। चलिए। हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग यार। एक्चुअली कल ब्लॉग को एंड करना भूल गया, क्योंकि खाना खाने के बाद बहुत जबरदस्त खाना खा लिया था ना, तो खाना खाने के बाद जो है अच्छी खासी नींद आ गई, फिर सो गए, तो इसीलिए इस ब्लॉग को एंड नहीं कर पाए। तो ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस ब्लॉग को यहाँ खत्म करते हैं। बाय बाय। We'll be right back.